इस तालीमी एमरजेंसी के निफाज के हवाले से जो बात हो रही है उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमें द सिटीजन फाउंडेशन से ज़िया अब्बास ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़िया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान के बुनियादी तालीमी निज़ाम के क्या तीन बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से 40% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ये मौका देने का। फंडामेंटली ये समझने की ज़रूरत है कि खानदगी से बहुत ज़्यादा गहरा ये मसला है। अगर 10 बच्चे स्कूल गोइंग एज के पाकिस्तान में हैं तो उनमें से 4 बच्चे स्कूल में हैं ही नहीं, और जो 6 बच्चे स्कूल में हैं भी उनमें से 3 बच्चे एवरेज तौर पे वो अपने ग्रेड लेवल पे पढ़ नहीं पा रहे। सो 70% ऑफ आर स्कूल गोइंग एज किड्स आर लर्निंग पुअर एज द वर्ल्ड बैंक कॉल्स इट। तो ये तो आप समझ लें कि हम एक कौम साजी का अमल कैसे शुरू भी कर पा सकते हैं अगर हम इस मसले को हल नहीं करेंगे। जो मसाइल इसके नीचे हैं, इसके जो जड़ पे हैं, वो उसमें जाहिर है रिसोर्सेज की कमी एक ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट मसला है, और उनकी एलोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट मसला है कि क्या ये पैसे जो हमारे पास हैं वो हम तनख्वाहों में लगा रहे हैं या ये पैसे नए स्कूल की डिवेलपमेंट में और एग्जिस्टिंग स्कूल की डिवेलपमेंट में लग रहे हैं। मगर ये पेचीदा सिस्टम है। तकरीबन 8.5 लाख टीचर्स सिर्फ पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं आज पूरे पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में, एजुकेशन में। सो इतनी पेचीदा सिस्टम को सबसे बड़ा जो इसका चैलेंज है वो ये है कि इस पैसे को सही तौर पे इस्तेमाल कैसे किया जाए। तकरीबन 46% ऑफ पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं और बाकी तकरीबन 50% के करीब पब्लिक स्कूल भेजते हैं। दोनों जो पे करने वाले हैं, चाहे वो पेरेंट हो या हुकूमत हो, उसको वैल्यू प्रोपोजिशन समझ नहीं आ रही कि तालीम से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है समाजी तौर पर। और जब तक हम तालीम की क्वालिटी को बेहतर नहीं बनाएंगे एट अ मास स्केल, एट अ सिस्टेमिक लेवल, तब तक हम वसाइल को और पेरेंट्स की तवज्जो को और बच्चे की तवज्जो को इस मसले पर मरकूज नहीं कर पाएंगे। ज़िया, एक चीज़ जो बड़ी कॉमनली डिस्कस भी होती है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी भी पढ़ने लिखने की सलाहियत जो है उस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो फिर बाकी बच्चों को भी इसी तरह की तालीम देने का क्या फ़ायदा बनता है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ये वो वैल्यू प्रोपोजिशन का क्वेश्चन है। और सच्ची बात यह कि सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, अगर आप अमेरिका के वॉशिंगटन DC के स्कूल्स में भी देख लेंगे तो वहाँ भी बच्चे 5वीं क्लास में बैठे होंगे, 8वीं क्लास में बैठे होंगे, उन्हें पढ़ना लिखना भी हो सकता है कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ना आता हो। सो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, मगर हमारे लिए ये बका का मसला है। इसमें कुछ अवामिल हैं जो हमें, जो हम TCF में मसलन इनपुट्स के तौर पर ज़रूरी समझते हैं। ज़ाहिर है एक मिनिमम लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है कि बच्चा सेफ फील करे और एक थ्राइविंग एनवायरनमेंट हो उसके लिए, मगर सिर्फ बिल्डिंग से स्कूल नहीं बनता। निसाब में हमें फोकस करना पड़ेगा, पिछले कुछ सालों में निसाब पे बहुत बात हुई है, हमें फोकस करना पड़ेगा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, बेसिक पढ़ने लिखने और हिसाब करने की सलाहियत। हमें टीचर्स को ना सिर्फ ट्रेन और डिवेलप करना पड़ेगा बल्कि उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ेगा। आज सब हम बड़े आसानी से टीचर्स को बुला बुरा भला कहते हैं, मगर इन्हीं लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ाना है। सबसे बड़ी बात, हम TCF में कहते हैं कि अ गुड प्रिंसिपल मेक्स अ गुड स्कूल, तो हमने स्कूल लीडरशिप को रीइमेजिन करना पड़ेगा। ज़िया, मेरे पास वक्त की कमी है, 2 मिनट और हैं और 2 और पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बुनियादी तालीम से मुतालिक मुल्क की पॉलिसी है क्या? क्या तालीमी एमरजेंसी लगाने से आप समझते हैं कोई फ़ायदा होगा और किस डायरेक्शन में जाएंगी ये चीज़ें? तालीम एमरजेंसी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एक इंटेंट का, एक विल का एक्सप्रेशन होता है, मगर असल में एक मजबूत हकमत अमली की ज़रूरत है। और जब विफाक और सूबों में वसाइल और इख्तियार बटे हुए हों तो इस मरबूत हिकमत अमली की और ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है। आई एम वेरी होपफुल कि एक ही फोरम बनेगा जिसपे सारी बातें मिल के ये 4 सूबे और दूसरी टेरिटरीज और विफाक इस पर डिसीजन ले सकें, मगर जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी हम अपने जो स्ट्रगलिंग डिस्ट्रिक्स हैं उनको पीछे छोड़ देंगे, एंड दैट विल बी अ ह्यूज ट्रेजेडी। कई हल्के समझते हैं कि असल मसला जो है वो बच्चों को और उनके वालदैन को इस बात पर भी आमादा करना है, ये खास तौर पे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, ये कैसे हल होगा? असल मैं गरीब से गरीब तरीन गांव में जा चुका हूँ और माओं से उनकी बच्चियों की तालीम के बारे में भी पूछ चुका हूँ। आज पाकिस्तान में शायद ही कोई इलाका हो जहाँ लोगों को तालीम की अहमियत पर आमादा करने की ज़रूरत है। हाँ, मगर उन्होंने अपने बच्चे और बच्चियों को घर से निकाल के अखराजात अपने पेट काट के कुर्बानियाँ दे के उन बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो स्कूल में कोई फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। सो असल चीज़ क्वालिटी है। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ पब्लिक स्कूलों में
तो कोई वजह नहीं है कि बच्चे और उनके वालदैन दोनों अब इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। लास्ट पे अगर हम सूबों की और विफाक की बात करते हैं, तालीम अब जो है वो सूबों के पास है, डोमेन सूबों के पास है, अब विफाक ये एमरजेंसी अनाउंस कर रहा है, तो ये इक्वेशन किस तरह से चलेगी? हिस्टोरिकली स्पीकिंग इस तरह की चीज़ें को बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसकी सिर्फ एक ही कुंजी है असद, और वो ये है कि अवाम इस चीज़ को एक प्रायोरिटी बनाएं। हम हर शोबे में, चाहे वो नॉन प्रॉफिट सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, इस फोकस को बरकरार रखें ताकि हर एक का एक सियासी मसला ये बना रहे कि तालीम के मसले को हल करना है। उसके सॉल्यूशंस फ्रेंकली अगर हम 10 लोग भी बैठेंगे तो आफ्टर एन आवर और टू हम सब एक ही नतीजे पे पहुंचेंगे। सो सॉल्यूशंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंसेंसस कॉम्प्लेक्स है, और उसके लिए हम सब एज ए सोसाइटी इस पर फोकस बरकरार रखें। आपकी भी मदद दरकार होगी और हम लास्ट में बिल्कुल एक क्विक सेंटेंस, आपने कहा कि जो वसाइल हैं वो ठीक से यूज नहीं हो रहे, वसाइल की कमी भी अपनी जगह है कहीं? जी बिल्कुल है। हम एज अ कॉम अपने वसाइल जो महदूद हैं उनको किस तरह एलोकेट करते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उसको ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान की सरकार ने स्कूल बनाना बंद कर दिए हैं और ये आइंदा कुछ सालों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तो यह मसला हल हो सकता है, मगर इन द लॉन्ग टर्म द पब्लिक सेक्टर हैज़ टू डू इट्स बिट। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया अब्बास, आप हमारे साथ थे सिटीजन फाउंडेशन से और जो मुल्क के एजुकेशन के इशूज़ हैं उस हवाले से हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।